नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 26 सितंबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 9 एजेंडों पर लगी मुहर। मध्याह्न भोजन नहीं बना तो स्कूलों को बताना होगा उसका कारण। चंद्रयान 3 ने मिशन किया पूरा, विक्रम और प्रज्ञान की नींद खुली तो भारत को मिलेगा बोनस। अक्टूबर महीने में इतने दिन बैंक रहेंगे बंद। भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल किया अपने नाम। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ट्रेड अप्रेंटिस के 484 पदों के लिए निकाली भर्ती। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ITI ट्रेड अप्रेंटिस के 484 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ऐसे में वे लोग जो इसके लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट apprentice.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर 2023 तक निर्धारित की गई है। वहीं अगर इसके लिए हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैंडिडेट्स को 10वीं पास के साथ संबंधित ट्रेड में ITI की डिग्री होनी चाहिए। वहीं इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार जारी किए गए अधिसूचना को देख सकते हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 9 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिसमें बिहार के 28 जिलों में यातायात थाना के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके संचालन के लिए 4,215 पदों में से पूर्व से सृजित 3,366 पदों के अतिरिक्त 849 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। IGIMS में मरीजों को दवा एवं चिकित्सकीय सुविधा मिलेगी। संस्थान में पूर्व से लागू पंजीकरण शुल्क एवं प्राइवेट वार्ड डिलक्स वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए बेड चार्ज एवं अन्य शुल्कों का छोड़कर लागू करने की स्वीकृति दी गई है। छपरा नगर निगम क्षेत्र में जल निकासी के लिए 134,97,79,100 रुपए की स्वीकृति दी गई है। गांधी मैदान स्थित भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की भूमि पर गांधी मैदान मेट्रो रेल स्टेशन के निर्माण के लिए 48,78,000 के भुगतान पर पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के लिए नगर विकास विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। तत्कालीन कानूनगों को बंदोबस्त कार्यालय नालंदा के मोहम्मद साहिद खान, नालंदा के कतरी सराय अंचल के अंचलाधिकारी अश्विनी कुमार को बर्खास्त कर दिया गया। अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा मेसर्स ड्यूराटेक सीमेंट इंडिया लिमिटेड को समस्तीपुर में उद्योग लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे यदुनंदन शर्मा के बारे में। यदुनंदन शर्मा भारत के बिहार राज्य के एक भारतीय किसान नेता और राष्ट्रीय मुक्तिदाता थे। उन्होंने रेवाड़ा में जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ किसानों के अधिकारों के लिए एक आंदोलन शुरू किया था, जिसे रेवाड़ा सत्याग्रह के रूप में मनाया जाता है। अपनी BA की डिग्री के बाद उन्होंने शिक्षा छोड़ दी और सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो गए। 1930 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 16 महीने की सजा सुनाई गई। जेल से रिहा होने के बाद वह 1933 में किसान आंदोलन में शामिल हो गया और 1930 के दशक में प्रसिद्ध संदाको और रेवाड़ा सत्याग्रह शुरू किया। वे गया जिले के किसानों के निर्वाद नेता बन गए और महान स्वतंत्रता सेनानी और किसान नेता सहजानंद सरस्वती के बाद दूसरे नंबर पर थे। आजादी के बाद एक बार उन्होंने गया जिले के मखदूमपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन वे हार गए। उनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई, जिसका नाम बकास्त महामारी और उसका अचूक इलाज है। इस साल सभी शहरी उपभोक्ताओं के यहां लग जाएंगे स्मार्ट बिजली मीटर। इस साल के अंत तक बिजली कंपनी के द्वारा राज्य के सभी शहरी उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा और फिर इसके बाद ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश का पहला राज्य बिहार है जहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। कंपनी की ओर से सबसे पहले अरवल और कांटी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए थे। हालांकि ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर प्रायोगिक तौर पर लगाए गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक राज्य में ग्रामीण और शहरी इलाकों को मिलाकर कुल 19 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। इस बारे में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि हमारे द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि इस साल के अंत तक सभी शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएं। चंद्रयान 3 ने मिशन किया पूरा, विक्रम और प्रज्ञान की नींद खुली तो भारत को मिलेगा बोनस। 20 सितंबर 2023 को शिव शक्ति पॉइंट पर सूरज उग चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की नींदें नहीं खुली हैं।
हालांकि इसरो की टीम के द्वारा उन्हें लगातार संदेश भेजा जा रहा है और आगे भी कुछ दिनों तक संदेश भेजना जारी रखा जाएगा। मालूम हो कि प्रज्ञान रोवर 105 मीटर तक चलकर छलांग लगाकर दिखाया और साथ ही ऑक्सीजन जैसी कई जरूरी गैस और खनिजों की मौजूदगी की पुष्टि भी की। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि सूरज उगने के साथ एक बार फिर से प्रज्ञान और विक्रम एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हालांकि इस पर इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि परेशान होने की कोई बात नहीं है। विक्रम और प्रज्ञान में ऐसी तकनीक भेजी गई है कि जैसे ही वो पूरी तरह सूरज की रोशनी से ऊर्जा हासिल कर लेंगे, वे खुद ब खुद एक्टिव हो जाएंगे। हम बस उन्हें पर अपनी नजर बनाए रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगली बार अंधेरा होने से पहले शिव शक्ति पॉइंट से अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। सोशल मीडिया पर सबसे अधिक एक्टिव है इस जिले की पुलिस, मुख्यालय ने जारी किया आंकड़ा। बीते दिन एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर बिहार पुलिस के हर अकाउंट्स पर फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, जिसमें से अकेला फेसबुक अकाउंट पर बिहार पुलिस का रीच 1,20,00,000 के पार कर गया है। बता दें कि यह आंकड़ा अगस्त महीने का है। मालूम हो कि अगस्त महीने में फेसबुक अकाउंट पर कुल 1,17,423 नए फॉलोवर्स जुड़े हैं। वह इंस्टाग्राम पर अगस्त महीने में कुल 50,000 लोगों ने बिहार पुलिस को फॉलो किया है। बता दें कि एडीजी मुख्यालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर सिर्फ बिहार पुलिस ही नहीं बल्कि सभी जिलों की पुलिस का अकाउंट है। इसमें 5 जिले ऐसे हैं जिन्हें मुख्यालय ने टॉप 5 में चुना है। इनमें सबसे नंबर 1 पर समस्तीपुर जिले की पुलिस है, जबकि इसके बाद गोपालगंज, कटिहार, भोजपुर और अरवल का नंबर आता है। वहीं इस मामले में सबसे पीछे रहने वाले जिन 5 जिलों के नाम की घोषणा की गई है, उनमें शेखपुरा, मुंगेर, शिवहर, बांका और सुपौल जिला शामिल है। मध्याह्न भोजन नहीं बना तो स्कूलों को बताना होगा उसका कारण। अब राज्य के सभी 70,000 प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के द्वारा हर दिन मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित तय फॉर्मेट में ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से जानकारी ऑनलाइन देनी होगी, जिसमें यह भी शामिल होगा कि अगर किसी दिन विद्यालय में मध्याह्न भोजन तैयार नहीं होता है तो उसके पीछे का कारण भी विद्यालय के प्रधानाध्यापक को ऑनलाइन बताना होगा। इसके अलावा प्रधानाध्यापक ये भी बताएंगे कि कितने बच्चे विद्यालय आए और उनमें कितने बच्चों ने मध्याह्न भोजन खाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम के जरिए जानकारी ली जाती है, जिसके कारण हर दिन 15,000 से अधिक विद्यालयों की सूचना नहीं मिल पाती, जिससे पूरा आंकड़ा सामने नहीं आ पाता। वहीं नए फॉर्मेट में करीब 10 कारण होंगे, जिसकी जानकारी हर दिन 2 बजे तक प्रधानाध्यापकों को पूरी रिपोर्ट भेज देनी होगी। जमुई में क्षतिग्रस्त पुल को लेकर पूर्व MLC संजय प्रसाद ने रखी ये मांग। जमुई के बरनार नदी पर बना हुआ पुल भारी बारिश के कारण और अवैध बालू खनन के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था, जिससे कि लाखों लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। वहीं अब इस पर बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य संजय प्रसाद के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की गई है। उन्होंने कहा है कि लोगों की समस्याओं को देखते हुए जल्द से जल्द सोनो चुरहैत पुल पर डायवर्जन बनाने से आवागमन सुनिश्चित कराया जाए और एवं सोनो चुरहैत पुल की जांच कराकर नए पुल का निर्माण कराया जाए। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले भारी बारिश एवं अवैध बालू खनन के कारण पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे कि लगभग 1,00,000 आबादी प्रभावित हुई है। यहाँ के लोग पुल के क्षतिग्रस्त होने से कारण स्वरोजगार से वंचित हो रहे। इस दिन से एक आईडी पर नहीं रख पाएंगे 3 से ज्यादा सिम। अगर आप भी एक आईडी से कई सिम कार्ड खरीदते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि 1 अक्टूबर 2023 के बाद एक पहचान पत्र से अधिकतम 3 सिम कार्ड ही खरीदा जा सकता है। दरअसल बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए दूरसंचार मंत्रालय की ओर से एक आईडी से बड़ी संख्या में सिम कार्ड जारी रखने पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में अब सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनियों को ही बल्क में सिम मिल पाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में एक आईडी पर अधिकतम 9 सिम निर्गत किए जाने का प्रावधान है, जिसे खत्म कर 1 अक्टूबर से 3 सिम निर्गत करने का प्रावधान जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि अक्टूबर से यह नियम बिहार के सभी जिलों में लागू कर दिया जाएगा। इस संबंध में EOU के DIG MS ढिल्लों के द्वारा पत्र लेकर सभी जिलों को निर्देश दे दिया गया है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को एक आईडी पर 3 से ज्यादा सिम लेने हैं तो उन्हें कॉरपोरेट पहचान संख्या या GST पंजीकरण वाला प्रमाण पत्र समेत अन्य दस्तावेज देने होंगे। अक्टूबर महीने में इतने दिन बैंक रहेंगे बंद। अगर आप भी अक्टूबर के महीने में बैंक से जुड़े कुछ कामकाज को करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से यह जानकारी दे दी गई है कि अक्टूबर महीने में बैंक कुल कितने दिनों तक बंद रहने वाले हैं। ऐसे में अगर आप बैंक से जुड़े किसी कार्य को अगले महीने में करने की सोच रहे हैं तो एक बार ये खबर जरूर सुन ले। बता दें कि जारी किए गए लिस्ट के अनुसार करीब 16 दिनों तक बैंक बंद रहने वाले हैं, जिनमें साप्ताहिक अवकाश भी शामिल है। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में बैंक कुल 10 दिनों तक बंद रहने वाले हैं, जिसमें 1 अक्टूबर
अक्टूबर साप्ताहिक अवकाश, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 8 अक्टूबर साप्ताहिक अवकाश, 14 अक्टूबर दूसरा शनिवार, 15 अक्टूबर साप्ताहिक अवकाश, 22 अक्टूबर साप्ताहिक अवकाश, 23 अक्टूबर महानवी, आयुध पूजा, दुर्गा पूजा, विजयदशमी, 24 अक्टूबर दशहरा, 28 अक्टूबर लक्ष्मी पूजा, चौथा शनिवार और 29 अक्टूबर को साप्ताहिक अवकाश है। सीटीईटी परीक्षा 2023 का रिजल्ट हुआ जारी। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जिन्होंने सीटीईटी परीक्षा 2023 में भाग लिया था तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बीते दिन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा या सीटीईटी 2023 के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। ऐसे में जो उम्मीदवार अपना रिजल्ट देखने चाहते हैं वह सीटीईटी.nic.in पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की मदद से देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीबीएसई के द्वारा इस परीक्षा का कट ऑफ 60% तय किया गया है। मालूम हो कि इस परीक्षा के लिए कुल 29 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, जिसमें से कक्षा 1 से 5 के लिए यानी कि पेपर 1 के लिए कुल 15,01,719 उम्मीदवारों के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया था। तो वहीं कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए यानी कि पेपर 2 के लिए कुल 14,02,184 उम्मीदवारों के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया था। जीविका दीदियां व छात्र छूटी पढ़ाई कर सकेंगी पूरी। पढ़ाई छोड़ चुके छात्र व वैसी जीविका दीदियां जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की है उनके लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान व इग्नू के साथ जल्द समझौता होने वाला है, जिसके बाद NIOS से 10वीं व 12वीं ड्रॉप आउट छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगी। वहीं इग्नू से जीविका दीदियों को स्नातक व स्नातोत्तर करने का मौका मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दी कि सामुदायिक पुस्तकालयों में कार्यरत विद्या दीदियां और संकुल संघ की सदस्यों की मदद से 10वीं व 12वीं ड्रॉप आउट छात्रों की पहचान कर एक सूची तैयार कर उनका दाखिला NIOS में कराया जाएगा। मालूम हो कि इसके लिए सामुदायिक पुस्तकालयों में अध्ययन केंद्र भी बनाए जाएंगे और छात्रों को डिजिटल माध्यम से अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं जीविका दीदियां अपनी छूटी हुई पढ़ाई पूरी कर सके इसके लिए जीविका और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विवि के साथ जीविका का MOU होगा। इसके बाद वे काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकेंगी। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे जैन सर्किट के बारे में। बिहार 12वें तीर्थकर वासुपूज्य और 24वें तीर्थकर महावीर के जन्मस्थान के रूप में पवित्र स्थान है। सत्य, अहिंसा, असत्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह, यह पांच शब्द जैन धर्म के सिद्धांत, गौरव और पराकाष्ठा और जैन धर्म के आस्था का एक परिभाषित प्रतीक है। बिहार जैन धर्मावलंबियों के लिए पावन स्थल है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म भी यहीं हुआ था। बिहार के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जल मंदिर, जमुई में स्थित जैन मंदिर लछुआर, जैन मंदिर नाथनगर, भागलपुर बासोकुंड, वैशाली जैन मंदिर, कुंडलपुर जैन मंदिर, कमलदह जैन मंदिर, पटना और भी कितने जैन मंदिर हैं जो पर्यटकों को अपनी तरफ जैन धर्म की आधारशिला समझने के लिए आकर्षित करते हैं। इन जैन मंदिरों की एक खासियत और है कि सभी मंदिर को अपनी अलग पहचान और महत्वता है। राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति के लिए इस दिन से शुरू हो रहा आवेदन प्रक्रिया। अगर आप भी सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में पढ़ते हैं और आपने कक्षा 7 में 55% अंक लाया था और आपकी पारिवारिक आय 3.5 लाख से अधिक नहीं है तो यह खबर आपके लिए है। हालांकि इसमें SC और ST के छात्र छात्राओं को 5% की छूट दी गई है। बता दें कि ऐसे छात्र राष्ट्रीय आय सह मेधा परीक्षा 2023-24 के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की शुरुआत राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा 10 अक्टूबर से की गई है। वहीं आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। मालूम हो कि छात्रों को अप्रूवल विद्यालय स्तर पर 6 नवंबर तक किया जाएगा, जिसके बाद परीक्षा 7 जनवरी 2024 को आयोजित की जाएगी, जिसमें सामान्य वर्ग के छात्रों को 40% और अनुसूचित जाति और जनजाति को 32% अंक आना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छात्रवृत्ति के लिए देश भर से कुल 1 लाख छात्र छात्राओं का चयन किया जाता है, जिसमें से बिहार से कुल 5,433 छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा। 2 दिन में 1.20 करोड़ के शराब जब्त। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इसे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से जीतोड़ कोशिश की जा रही, लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कुछ खास कमी देखने को नहीं मिल रही। बता दें कि ताजा मामला बक्सर के वीर कुंवर सिंह चेक पोस्ट का है, जहां पर बीते दिन मुस्तैद उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा पंजाब के अम्बाला से बिहार की राजधानी पटना आ रही NL01L7296 नंबर की डाक पार्सल ट्रक से
भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए तक बताई जा रही है। वहीं इसके साथ ही विभाग की टीम के द्वारा ट्रक के चालक की भी गिरफ्तारी की गई है, जिसकी पहचान राजस्थान के श्रीगंगानगर के रमेश कुमार के रूप में की गई है। गौरतलब है कि बीते रविवार को भी इस चेक पोस्ट पर दिल्ली से मुजफ्फरपुर जा रही 50 लाख की शराब बरामद की गई थी। प्रदेश के दक्षिण के जिलों में बारिश के आसार। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश अब थम गई है। प्रदेश के कुछ इलाकों में अब बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा। अब प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार अब आसमान पूरी तरह से साफ रहने वाला है। हालांकि सीमांचल के इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम के जानकारों की माने तो हथिया नक्षत्र में भी खूब बारिश होने की उम्मीद है। इस मानसून सक्रियता को लेकर प्रदेश में 26 सितंबर को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि दक्षिण के जिलों में एक या दो स्थानों पर वज्रपात के साथ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 27 सितंबर को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि प्रदेश में किसी भी तरह की बारिश को लेकर अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हाजीपुर छपरा फोर लेन और दानापुर बीटा एलिवेटेड रोड का जल्द होगा निर्माण। NHAI के चेयरमैन संतोष कुमार यादव के द्वारा बिहार का एकमात्र फोर लेन सड़क हाजीपुर छपरा नेशनल हाईवे जो PPD मॉडल पर तैयार हो रहा है, उसके निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है और साथ ही इस फोर लेन सड़क को हर हाल में अगले 9 महीने में तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है। बता दें कि इस सड़क का निर्माण कार्य 12 साल पहले शुरू हो चुका है। ऐसे में इसका काम पूरा करने के लिए सोनपुर में गंडक नदी पर पुल निर्माण व दरियापुर रेल चक्की फैक्ट्री के पहले ट्रांसमिशन टावर को हटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। वहीं अगर बात करें दानापुर बीटा एलिवेटेड रोड की, तो इसे 21 किलोमीटर लंबे दानापुर बीटा एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण में रेलवे से NOC नहीं मिलने से बाधा हो रही है। ऐसे में NHAI के चेयरमैन के द्वारा एक महीने के भीतर दानापुर बीटा एलिवेटेड का निर्माण कार्य शुरू करने का भरोसा दिया गया है। अब घर बैठे ही मोबाइल ऐप से बनाएं आयुष्मान कार्ड। अगर आप भी आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि आयुष्मान भारत योजना का तीसरा फेज शुरू हो चुका है। ऐसे में अब लोगों को इस कार्ड को बनवाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल अब घर बैठे ही अपने स्मार्टफोन पर एक ऐप इंस्टॉल कर आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको ऐप में अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा। जो भी जानकारी मांगी गई है उसे भरना होगा। कार्ड बनने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा। वहीं कार्ड बनाने संबंधी कोई जानकारी के लिए या किसी प्रकार की शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर 14555 पर संपर्क किया जा सकता है। इस कार्ड को बनवाने वाले व्यक्ति की पात्रता की बात करें तो शहरी क्षेत्र के आर्थिक गरीब BPL कार्डधारी जिनके घरों में कोई कमाने वाला न हो, वे सभी लोग इस आयुष्मान कार्ड को बनवा सकते हैं। इस कार्ड से 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। भोजपुर में युवाओं को आज मिलेगा रोजगार। अगर आप भी बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बता दें कि भोजपुर जिला नियोजन पदाधिकारी नूर एहसन के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज यानी कि 26 सितंबर को नियोजनालय की तरफ से भोजपुर जिले के सदर प्रखंड के जिला नियोजनालय कार्यालय परिसर आड़ा में सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में जो अभ्यर्थी इस रोजगार मेला में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर अपना निबंधन कराना अनिवार्य होगा। वहीं इसमें भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को अपने साथ निबंधन प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज का फोटो, बायोडाटा और सभी पत्र की मूल कॉपी लेकर आयोजन स्थल पर जाना होगा। बता दें कि जॉब कैंप में प्रवेश निःशुल्क है। मालूम हो कि इस रोजगार मेला के तहत कुल 200 रिक्तियों को भरा जाएगा। सीएम नीतीश को लेकर प्रशांत किशोर ने किया ये दावा। चुनावी राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा गया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में बड़ा खेल होने वाला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को वोट किया, लेकिन 2017 में वे जनता को ठग कर भाग गए। लिख कर रख लीजिए, नीतीश कुमार को फिर वोट दीजिएगा, वे फिर भागेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि वे नीतीश कुमार को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। 17 सालों में नीतीश कुमार 15 साल BJP के साथ रहे। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में BJP के पास बहुमत नहीं है, जिस वजह से उन्हें किसी भी बिल को पास करवाने के लिए जुगाड़ लगाना पड़ता है। अगर नीतीश कुमार ने NDA छोड़ दिया है तो राज्यसभा में उपसभापति का पद वो क्यों नहीं छोड़ रहे। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में बिल पास कराने के लिए ही नीतीश कुमार अपने आदमी को बैठाए हुए हैं और बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल किया अपने नाम। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के द्वारा चीन में खेले जा रहे टूर्नामेंट में अपना शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए
फाइनल में श्रीलंका को 19 रनों से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया गया, तो वहीं विपक्षी टीम के द्वारा सिल्वर मेडल अपने नाम किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एशियन गेम्स के फाइनल में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था, जिसके बाद टीम इंडिया ने बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 116 रन बनाए, जिसमें स्मृति मंधाना के द्वारा सबसे अधिक 45 गेंदों पर 46 रन बनाया गया। इसके अलावा जेमिमा रोड्रिक्स के द्वारा भी 40 गेंदों पर 42 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली गई और भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई गई। वहीं 117 रनों का लक्ष्य पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम के द्वारा 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 97 रन ही बनाए जा सके। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। सचिन तेंदुलकर ने 1998 में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 18वां शतक लगाकर डेसमंड हेंस का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। अमेरिका ने 2004 में असैनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए भारत को तकनीक देने का निर्णय लिया। पूजा श्री वेंकटेश ने 2009 में रसीम चक्रवर्ती को हराकर ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। संयुक्त राष्ट्र ने 2011 में स्वच्छ विकास तंत्र योजना के तहत हरित गृह गैसों में कमी लाने के लिए दिल्ली मेट्रो को दुनिया का पहला कार्बन क्रेडिट दिया, जिसके अंतर्गत उसे 7 सालों के लिए 95 लाख अमेरिकी डॉलर मिलेंगे। प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री और स्वाधीनता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 1820 में हुआ। भारतीय कवि, वकील और राजनीतिज्ञ गुलाम भीख नायडक का जन्म 1876 में हुआ। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक सूबेदार जोगिंदर सिंह का जन्म 1921 में हुआ। फिल्म अभिनेता और निर्माता देव आनंद का जन्म 1923 में हुआ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 1932 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर का निधन 1956 में हुआ। गोवा के स्वतंत्रता सेनानी टीबी कुन्हा का निधन 1958 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य के नर्तक, नृत्य निर्देशक और बैले निर्माता उदय शंकर का निधन 1977 में हुआ। हिंदी फिल्मों के पार्श्व गायक और संगीतकार हेमंत कुमार का निधन 1989 में हुआ। आज के दिन को विश्व मूक बधिर दिवस के रूप में मनाया जाता है। वायरल मैच हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खाता के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खाता के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि यह दावा किया जा रहा है कि अगर ग्राहक का पैन कार्ड अपडेट नहीं होता है तो उसका इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खाता 24 घंटे के भीतर ब्लॉक कर दिया जाएगा। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। इंडिया पोस्ट ऑफिस कभी भी ऐसा कोई संदेश नहीं भेजता। कहीं भी अपनी व्यक्तिगत और बैंक जानकारी किसी के साथ साझा न करें। जीमेल यूजर्स के लिए गूगल ने मोबाइल ऐप में दिया महत्वपूर्ण अपडेट। स्मार्टफोन हम सभी के पास है और सबका एक जीमेल अकाउंट भी है। कामकाजी लोगों के एक से ज्यादा अकाउंट भी होते हैं। इस बीच गूगल ने जीमेल मोबाइल ऐप में एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया है जो आपका काफी समय बचाने वाला है। साथ ही इस काम के लिए अब आपको वेब पर मेल आईडी को लॉगिन नहीं करना होगा। दरअसल गूगल ने जीमेल मोबाइल ऐप में सेलेक्ट ऑल नाम का एक फीचर जोड़ा है, जिसकी मदद से आप एक से ज्यादा मेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस ऑप्शन से फायदा ये होगा कि आप एक ही समय पर 50 मेल्स को डिलीट कर पाएंगे, जैसा वेब वर्जन में होता आया है। अभी तक ऐप में होता था कि आपको एक एक कर सभी मेल्स को सेलेक्ट करने पड़ते थे, यानी एक साथ डिलीट करने का ऑप्शन नहीं मिलता था। इस काम को करने के लिए यूजर्स को वेब में मेल आईडी को लॉगिन करना पड़ता था। हालांकि अब अपडेट के बाद जीमेल यूजर्स मोबाइल से ये काम कर पाएंगे। इससे उन लोगों को ज्यादा फायदा होगा जो एक से ज्यादा मेल्स चलाते हैं, और इससे उनका काफी समय भी बचेगा। वायुसेना में शामिल हुआ पहला C-295 विमान। बीते दिन शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में गाजियाबाद के हिंडन वायुसेना स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना में C-295 मध्यम सामरिक परिवहन विमान को शामिल किया गया है, जिससे कि अब सेना की रसद तथा अन्य क्षमताओं में इजाफा हो जाएगा। बता दें कि बीते दिन हुए इस कार्यक्रम की तस्वीर मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर की गई है और लिखा गया है कि हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर C-295 MW के अनावरण समारोह में भाग लिया। यह मीडियम लिफ्ट सामरिक विमान बिना तैयार लैंडिंग ग्राउंड से उड़ान भरने और उतरने में सक्षम है, और यह HS-748 एवरो विमान की जगह लेगा। C-295 के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की मध्यम लिफ्ट सामरिक क्षमता में वृद्धि होगी। आने वाले वर्षों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपा करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में कहां में नदी उत्सव का 4th संस्करण शुरू हुआ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी हैदराबाद।
उत्तर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। अगला सवाल, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसको गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया है? ऑप्शन ए जो बाइडेन, ऑप्शन बी जस्टिन ट्रूडो, ऑप्शन सी शी जिनपिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो बाइडेन। अगला सवाल, वर्ष 1967 में निम्न में से किससे में जिगर का टुकड़ा कहा गया था? ऑप्शन ए छात्रों को, ऑप्शन बी उद्योग को, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन डी किसानों को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए छात्रों को। अगला सवाल, पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब हुआ? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1956। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1956। अगला सवाल, बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत किस जिले से हुई थी? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी भोजपुर, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी पटना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भोजपुर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, मोहम्मद जुबेर आलम, गोनर शर्मा, अतीक खान, बलिंदर ठाकुर, राजा कुशवाहा, विष्णु देव, प्रयाग सिंह, राजीव कुमार, संतोष कुमार चौरसिया, मोहम्मद फहीम, कुश कुमार यादव, राजकिशोर महतो, मंटू कुमार, चंदन कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप हमारा बिहारी न्यूज किस क्षेत्र से देख रहे हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।